इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच जो कि पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड ने 301 रन की बढ़त बनाई है। पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने भारत पर शिकंजा कस लिया है। भारतीय टीम पहली पारी में केवल 156 रन पर ढेर हो गई, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिए हैं। इससे उनकी कुल बढ़त 301 रनों की हो गई है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की लीड अब तक 301 रन की हो चुकी है। न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंटनर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 53 रन देकर 7 विकेट हासिल किए, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। टॉम लेथम ने 86 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी ने टीम को मजबूती प्रदान की। टॉम ब्लेडल 30 रन बनाकर और ग्लेन फिलिप्स 9 रन बनाकर नबाद अभी खेल रहे हैं और तीसरे दिन के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के लिए दूसरा टेस्ट मैच बिल्कुल संघर्षपूर्ण रहा। पहली पारी में भारतीय टीम 156 रनों पर सिमट गई। टीम के लिए सबसे ज्यादा रन रविंद्र जडेजा ने 38 रन बनाए। उनकी 46 गेंदों की पारी में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। रोहित शर्मा और विराट कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन रोहित शर्मा 0 रन पर आउट हो गए, जबकि विराट कोहली मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों में सेंटनर के अलावा ग्लेन फिलिप्स ने भी 2 विकेट चटकाए। टीम सऊदी ने भी 1 विकेट लिया। दोस्त, भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर ने अब तक 56 रन देकर 4 विकेट लिए हैं, जबकि रविचंद्र अश्विन ने 64 रन देकर 1 विकेट झटका है। जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा अब तक कोई विकेट नहीं ले पाए हैं। तीसरे दिन का खेल भारतीय टीम के लिए करो या मरो की स्थिति है। अगर भारत को इस मैच में बने रहना है तो तीसरे दिन के पहले सत्र में ही न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करना होगा। 300 से अधिक का लक्ष्य चौथी पारी में किसी भी टीम के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को शानदार प्रदर्शन करना होगा, खासकर सुंदर और अश्विन को एक बार फिर से टीम के लिए विकेट चटकाने होंगे। क्या भारत 68 साल के इतिहास को फिर से लिख पाएगा? न्यूजीलैंड 68 वर्षों में भारत में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने की कगार पर है। पिछली बार जब भारतीय टीम को घरेलू सरजमी पर न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था तो वह 36 साल पहले की बात है। अब यह देखना होगा कि तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज कुछ करिश्माई कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल गेम और क्रिकेट मैच के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।